भागलपुर देहरादून के रहने वाले अभिषेक बोरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी अभिषेक बोरा दुर्लभ कश्यप गैंग का सदस्य है और पिछले 15 दिनों से भागलपुर के एक होटल में अपने दो अन्य साथियों के साथ रुका हुआ था। वहीं देर रात ईशाकचक थाना क्षेत्र के पानी टंकी के पास एक व्यक्ति से मोबाइल लूट करने के क्रम में इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं इसके पास से एक चाकू खुखरी बरामद किया है। वहीं इसके अन्य दो साथी फरार हो गए हैं। गिरफ्तार अपराधी ने पूछताछ के क्रम में कई बड़े खुलासे किए हैं। ये लोग भागलपुर, कोलकाता और पटना में स्वर्ण व्यवसायी के प्रतिष्ठान में लूटपाट करने की योजना बनाकर देहरादून से यहां पहुंचे हुए थे। ये लोग दूसरे के लूटे गए मोबाइल को लूट के क्रम में इस्तेमाल करते थे, जिससे दूसरे के मोबाइल रहने के कारण पुलिस इन तक नहीं पहुंच सके। वही मोबाइल लूट के दौरान यह पकड़ा गया, जबकि इसके दो साथी फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उससे कैसे कांटेक्ट हुआ? हमारे उधर ही रहता है वो। उधर ही रहता था तो क्या करके यहाँ लाया, क्या जॉब करवाएगा? सर उसने धोखे से लाया, उसने बोला था यहाँ जॉब की वैकेंसी निकली। किस चीज की वैकेंसी, ये नहीं बताया उसने। मतलब मीटिंग हो बहुत बात है। Thank you.